डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस होगा दोनों का? ओके सिट डाउन, आपने डेफिनेशन बिल्कुल ठीक बताई है। ठीक है, वैसे तो देखो बेटा, टेम्परेचर हम देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कोई भी चीज हमने कंपेयर करनी है, लेकिन वन थिंग इज, वन कंडीशन इज देयर, दो कैसी चीजें हम कंपेयर करते हैं? कंपेयर तो करते हैं बाय डिवीजन, बट दोनों कैसी चीजें होनी चाहिए? कोई बताएगा? कल बताया था मैंने आपको, सेम 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 यूनिट वन। काइंड, सेम काइंड। तो क्या मैं हाइट को टेम्परेचर से कर सकती हूँ डिवाइड और कर सकती हूँ? नो ओके, लेंथ को किससे कंपेयर करूंगी? लेंथ से ही कंपेयर करूंगी ना। ठीक है बेटे, तो ये आपको पता है, कल हमने बताया भी था आपको। तो हमने कल एसर्शन रीजन किया था, एसर्शन रीजन में लास्ट वाला आपका रह गया था, थर्ड क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। एसर्शन इसका ट्रूथ, सॉरी फॉल्स था। आपने मेरे को बताया था कि रेशियो ऑफ 3:2 इज सेम एज, मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। एसर्शन हमारा था 3:2 इज नॉट सेम एज 2:3। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट थी कि द रेशियो ऑफ 3:2 इज सेम एज 2:3, तो आपने मेरे को बोला था फॉल्स, इसकी लिखा भी होगा आपने। और इसका जो रीजन था बेटा, द ऑर्डर इन विच द क्वांटिटीज आर टेकन टू एक्सप्रेस देयर रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, रीजन में लिखो, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। कल मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए थे, नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, डिफरेंस क्या है दोनों में? व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर? सिक्स ए बलजोत मैम एब्सेंट। एब्सेंट, नीरज सिक्स डी, नीरज इज प्रेजेंट। ओके, सिक्स एफ आरुषि, यस। ऑर्डर का क्या मतलब है? आपने रिजल्ट लिखवाया नहीं है। ओके, किसी और को पता है? ओके, बैठो आप बेटा। मैंने या इस ये सेक्शन से पीछे लड़कियां हाथ खड़े कर रहे हैं, प्लीज आगे आओगे। लास्ट गर्ल, लास्ट, यस। डू यू मीन बाय ऑर्डर? प्लीज इसको ध्यान से सुन, यस। सीक्वेंस सीक्वेंस, सीक्वेंस मीन्स कि पहली चीज पहले लिखी जाएगी, दूसरी चीज बाद में लिखी जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज का। अगर मैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, सपोज मेरे पास बॉयज जो है वो 15 है, बॉयज इज इक्वल टू 15 है और गर्ल्स 13 है, सपोज आपकी क्लास में। ठीक है बेटे, तो मैं आपको बोलूंगी कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स, अगर मेरे को लिखना है बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो मैं लिखूंगी 15:13। कल बताया था मैंने 15:13, 15 बाय, यस कल बताया था, सेम एग्जांपल मैंने लिया था, मेरे को तो याद है 15:13 लिया था। एक्सक्यूज मी मैम, यस, आवाज आ रही है 6th की। सिक्स ई की, यस आ रही है बेटे, बहुत क्लियरली आ रही है, यस। ओके बैठो बेटे आप। सीक्वेंस बहुत अच्छा आपने वर्ड इसका मीनिंग बताया। सीक्वेंस का मतलब है कि पहली चीज पहले आएगी, दूसरी चीज बाद में आएगी। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, तो 15:13 लिखूंगी और 15 ऊपर आएगा और 13 नीचे आएगा। अगर मैं गर्ल्स रेशियो बॉयज लिखूंगी, फिर क्या करूंगी? फिर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? ऑर्डर फिर क्या आएगा? 30 13 रेशो रेशियो रेशो आपने रीजन 13 लिखवाया। रेशियो 15, इसको बोलते हैं ऑर्डर। पहली चीज पहले आएगी, दूसरी चीज बाद में आएगी, तो इसमें फिर हमारा क्या होगा? इसका जो कल हम बता रहे थे रीजन का, द ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट और नॉट, इट इज इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट, दिस इज ट्रू। कल जो हम एसर्शन रीजन कर रहे थे, पहला वाला फॉल्स था, दूसरा वाला ट्रू है, और ये आपकी डी ऑप्शन आएगी। ओके, इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपके पास मॉड्यूल नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, दिख रहा सबको? तो
आपके आगे है क्वेश्चन बेटा सब्जेक्टिव एसर्शन रीजन के बाद। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही आपके फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उनमें आपके पास ये टेबल सबको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका। आप साथ साथ में इसको नोट भी कर सकते हो, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नोट करने भी ध्यान देना है, साथ साथ में मेरे को सुनना भी है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि अगर आपको 4 वीक्स टू 49 डेज की रेशियो निकालनी है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, दो चीजें करनी है, ठीक है। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट काम क्या है, शुरू क्वेश्चन शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका? यूनिट सेम करना सेम पहले करना, यूनिट सेम करना। जब तक वो सेम काइंड के नहीं बनेंगे हम क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर सकते, और अगर क्वेश्चन शुरू कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वीक को पहले डेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। 4 वीक्स इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ डेज होंगे? ये 7 इज इक्वल टू 28 डेज, ठीक है बेटा। हमने कन्वर्ट कर लिया, साथ साथ में लिखो इसको। आपको क्लियरली दिख रही है यहाँ पे राइटिंग और ये क्वेश्चन? ओके, प्लीज नोट करो। अभी हमने इसका लिख रहे हैं रेशियो, ठीक है। पहले वीक्स की बात हो रही है, जैसे कि ऑर्डर की बात, आएगा वीक्स के बारे में लिखेंगे। रेशियो क्या आएगी? 28:49। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने उसको काटना होता है, आपको पता है, जिस पे फोर तीन जाते हैं। इज टू सेवन ओके, सब करो बेटा, एवरीबडी हैज टू डू। बेटे जो ये पेन से लिखा हुआ है आपको दिख रहा है ये? ओके वेट ओके वेट, थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ बेटा, जस्ट अ मिनट। अभी दिस इज 28:49 फर्स्ट वाले कॉलम में, दूसरे में 28 और 49 को आपने काटना है आपस में। कौन से टेबल से जा रहे हैं ये? 7 के टेबल से, 7 7 49 और 4 4 मैम आंसर इज 4/7 आंसर इज 4/7, यस 4:7। ओके बेटा, रेशियो अभी दिख रहे हैं आपको? ओके गुड बेटे, आंसर भी आपका रेशियो के फॉर्म में आना चाहिए, है तो वो फ्रैक्शन ही है, तो वो अप एंड डाउन करके डिवीजन के फॉर्म में लिखना है, लेकिन टू डॉट्स डाल के रिप्रेजेंट कर। रेशो ओके नेक्स्ट इज रुपीज 3 एंड 75 पैसे, ठीक ठीक है। यू कैन डू इट एज 300, इसको 300 पैसे बना सकते हो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? नॉलेज किया हुआ है। ओके, तो इट विल बी 300:75। सिर्फ आपको रेशियो लिखनी है, काटना नहीं है अभी, ठीक है। जो चीज आपका बन रहा है सिर्फ वही करना है मैम आपको। 4:1 ओके, काट लो इसको जल्दी से बेटे। 4:1 बेटे बाकी बच्चों का पेन रुका हुआ है, मेरे को दिख रहा है वो कर नहीं रहे हैं। मूव योर हैंड, आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हो? 5 का टेबल लगाओ, आपको पता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट सबने पढ़े हुए हैं, पढ़ा हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट? मैम यस, आपको पता है कि पीछे जब 0 और 5 होता है तो हम क्या करते हैं, 5 के टेबल से जाता है वो, क्लियरली दिख रहा है। 5 के टेबल से जब काटोगे इसको 4:1 आ रहा है बहुत क्लियरली। आई होप अभी राइटिंग क्लियर है, आपको दिख रही है बोर्ड पे? यस क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते रहो। थर्ड क्वेश्चन, 40 मिनट्स टू आवर्स, 2 एंड हाफ आवर्स, यहाँ पे 2 एंड हाफ है बेटा, प्लीज इसको ठीक करो। 2 2 एंड हाफ आवर्स, यहाँ पे ना 2 के बाद इसको ऐसे कर रहे, 2 एंड हाफ, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया। तो 2 एंड हाफ किसके इक्वल होता है बेटा, हु विल टेल मी?
टू टू एंड आर थर्टी थ्री मिनट मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप करोगे, हाँ मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर में करोगे तो आपको पता है 2 2 4 + 1 5, 5/2 आवर्स। करना आता है आपको मिक्स को इम्प्रॉपर में? फ्रैक्शंस में किया है आपने? ओके आपको पता होना चाहिए बेटे, 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 आवर्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्शन का चैप्टर नहीं किया अभी आपने बेटे? ओके बेटा, पिछली क्लास में किया है मैम, ओके आपको तो फिर पता है कि ये मिक्स को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अरे फिर तो पता है आपको, यस 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 आवर्स आ गया, तो 40 मिनट्स है वहां पे, आवर्स है, आवर्स को कन्वर्ट करो, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 60। तो इसको करो फिर, ये कितना आएगा आपका 40 रेशो, आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 150, 300 150। 150 यस, क्योंकि नीचे 2 भी है ना बेटा, नीचे 2 भी है तो आपने काटा होगा इसको, 5/2 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई करते हो। 150 हाँ 150, 40 रेशो 150। ठीक है, 5/2 आवर्स इज इक्वल टू, अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा मिनट्स में बन जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 5 × 3 15, तो 150 आ जाएगा। दोनों की यूनिट सेम हो गई है तो वी कैन राइट 40 रेशो 4:15 फोर रेशो 15। एवरीबडी डू, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये नहीं कि सिर्फ आंसर बता दिया और आपने नोट कर लिया, सबको कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी कैलकुलेशन है, जीरो को काटो, अगर वो आगे जाते तो आगे भी काटो। ठीक है, डोंट वेट कि उसने आंसर बता दिया तो जल्दी से आपने कॉपी डाउन कर लिया, जब तक आप अपने हाथ से नहीं निकालोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। 4:15, वेरी गुड, 4:15 यस वेरी गुड। किस किसने कर लिया, रेज योर हैंड, वेरी गुड। और इसका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बेटा जो है, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं कल आपसे आंसर पूछूंगी इसके। सबको पता है मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सबको पता है कि 1 घंटे में, 1 दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। कॉपी डाउन कर लो, इसकी स्पेस छोड़ दो, दिस योर होमवर्क। मीटर डोंट टेल, एक दूसरे को बताना नहीं है। नोट कर लिया बेटे सबने? यस चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। ये बी पार्ट आपको थोड़ा सा टाइनी से दिख रहा है, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ। ये दिस इज इक्वल टू 1 1/2, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ, 1 1/2 रेशो 3। ये फिर से आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, सबको क्वेश्चन दिख रहा है। फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ ईच, इनके इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने हैं। इसका ए पार्ट तो बहुत सिंपल है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, अभी मैं आपको बी पार्ट करवाऊंगी। ए की अभी स्पेस छोड़ दो, यू विल डू एट होम, और कल मैं आपसे आंसर पूछूंगी। मैं अभी बी पार्ट यहाँ पे करवा रही हूँ, जैसे बी करेंगे वैसे ही हम ए वाला भी कर सकते हैं, सेम बेसिक। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, कोई भी आपके पास अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
वो उसका इक्विलेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 1/2, 1/2 का अगर मैंने इक्विलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इक्विलेंट का मतलब कि इसके बराबर का ही होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो 1/2 के इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मैंने सेम नंबर से ऊपर और नीचे उसको मल्टीप्लाई किया है। मैंने 2 लिया है, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर से ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है हमेशा। ओके बेटे, तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं, हमें 2 इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो हम 2 नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको सिंपल फॉर्म, अभी ये मिक्स फॉर्म में है, ओके, तो मेरे को इसको बताओगे मिक्स फॉर्म से हमने इम्प्रॉपर कैसे लिखना है। आरुषि 6th F, आरुषि इज प्रेजेंट, यस, बता दो जल्दी से। थ्री थ्री बाय टू, बाय टू, 2 वज़ा 2, 2 प्लस 1, 3, 3/2, रेशियो 3, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको पहले हमने सिंपल फॉर्म में लिखा, तो वहां से आपके पास आगे हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे। ये आपको मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने कैसे निकालना है, ठीक है बेटे। तो अभी हमने इसका निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। हाँ, 2 से कर लो, स्टार्ट करो, आई एम गिविंग यू टाइम, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। ऊपर और नीचे उनका क्या मतलब है कि ये आपके पास 3/2 है और यहाँ पे नीचे आपके पास 3 है। बेटा अगर आपके पास एक जगह फ्रैक्शन हो ना, तो दूसरे को भी फ्रैक्शन बना सकते हो अपने आप, नीचे अपने आप 1 लिख सकते हो, ताकि आपको देखने में अच्छा लगेगा और आपको इजी भी लगेगा करने में। और आपको पता है ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 3/2 × 1/3, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, पता है आपको, रिवर्स करके, ये आपके पास बन गया। ओके, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/2। पहले तो हमने सिंप्लीफाई कर वन लिया बाय टू 1/2, अभी तो हमारा सिर्फ सिंप्लीफाई हुआ है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ है, अभी हमने इक्विवेलेंट नहीं निकाले इसके, अभी तो हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको अपनी अपनी कंफर्टेबल जोन में हम आए हैं कि हमने कैसा होना चाहिए। मिक्स था, हमने उसको इम्प्रॉपर किया, 2/4 एंड 3/6। यस। आप अब बेटा इसमें ना इक्वल फ्रैक्शन में सबके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिक्स आंसर आएगा, ठीक है। कैसे, जैसे आपके पास यहाँ पे 1/2 है, मैंने आपको बोला कि ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2/4। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3/2 × 3, आपके पास आ जाएगा 3/6। तो ये हमारे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आए हैं, 2/4 एंड 3/6, ओके, ये आंसर आया हमारे पास। अभी अगर बच्चे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर और नीचे, या फिर 5 से करते हो, 7 से करते हो, 6 से करते हो, -1 से करते हो, कि जिससे मर्जी कर सकते हो, तो आपके आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इक्विवेलेंट होने चाहिए बस। ओके बेटे, कई बच्चे मैंने देखा है कि एग्जाम में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइव कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से आ रहे हैं इसके, 2/4 एंड 3/6। ये आपके पास आंसर आ रहा है, ये दोनों आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि आंसर आ सकता है। अगर किसी ने घर पे ट्राई करना है किसी और नंबर से, तो ट्राई करना और मेरे को कल बताना कि आपका आंसर क्या आया था, और इक्विवेलेंट 1/2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट आपने करना है, दिस योर होमवर्क, 4:7। विल यू डू इट योर सेल्फ, यस, वेरी गुड, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन, मुझे पता है, एक बार जब सब कुछ समझा दो तो आपको भूलता नहीं है। 6D में जो बच्चा आगे आया है, कुछ कहना चाहते हो बेटा,
सबको क्लियरली विजिबल है, बोर्ड दिख रहा है सबको? ओके, इसको कॉपी डाउन कर लो बी पार्ट को, और इसका आंसर लिख लो, एक ही स्पेस छोड़ दो, वो आपने खुद करना है, और कल मेरे को बताना आंसर उसका। कर लिया। जिन्होंने कर लिया है नोटबुक उसको किसी और को नहीं दिखानी, डोंट शेयर विद अदर चिल्ड्रन। सबको ओके माइंड यूज करना है, अपने तरीके से करना है, ठीक है? थोड़ा चैलेंज किया करो कि यस मैं किसी और नंबर से करके देखता हूँ, जरूरी नहीं कि टू और थ्री लेने हैं जैसे मैंने लिए हैं। कोई -2 लेके देखो, कोई 3 लेके देखो, कोई 5 लेके देखो, ओके? ट्राई बाय एनी नंबर। चलो आगे करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द गिवन रेशियो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसे हमने कल एग्जाम्पल किया था कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, 12 चॉकलेट्स हैं, उनको मैंने नंबर ऑफ, बस मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, यस अगर मेरे पास सपोज 12 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मैंने उसको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? थोड़ी सी मैंने अपनी चॉकलेट जो है वो बॉयज को देनी है, थोड़ी सी अपनी गर्ल्स को देनी है, ठीक है? तो अभी मैं अगर इनको डिवाइड करके बॉयज को मैं 8 चॉकलेट देती हूँ और गर्ल्स को 4 चॉकलेट्स दे देती हूँ, ठीक है, तो रेशियो ऑफ चॉकलेट्स क्या आएगा? 8:4। 8:4, ठीक है? तो मैंने क्या किया, 12 चॉकलेट्स को मैंने 3 और सॉरी 8:4 में डिवाइड कर दिया। यही क्वेश्चन आपका अभी फॉलो हो रहा है कि डिवाइड द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द गिवन रेशियो, कि आपने रुपीज आपके पास है 369, उसको आपने 4:5 में डिवाइड करना है। 164 एंड 205। प्लीज वेट, मेरे को नहीं पता ये आंसर ठीक है कि नहीं, अभी हम सॉल्व करेंगे। लेट अस चेक आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। एंड जो बच्चे कर रहे हैं एडवांस में, बहुत आपने मेरे को क्विकली कर रहे हो, और जो बच्चे आपके आसपास बैठे हैं वो नोट डाउन नहीं करेंगे, उससे उसकी कॉपी से नोट डाउन नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है, ओके? जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया चॉकलेट का, वैसे ही ये क्वेश्चन है कि हमने 369 को 4:5 में डिवाइड करना है, ठीक है? डिवाइड का मतलब क्या क्या है? अब रेशियो में 4:5 है और रुपीज है आपके पास 369, ठीक है? तो 369 को हम क्या करेंगे, हमने रुपीज निकालने हैं ना, कि किसके पास कितने कितने रुपये आए, यही बात करनी है ना हमने। पहले मैं ये पार्ट सॉल्व करूंगी, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, यहां तक आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है? और जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आता है, आप उसको पता है कि हम सपोज करते हैं 4x एंड 5x, ठीक है? लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी 4x एंड 5x। अब मैंने इसको 4x और 5y क्यों नहीं लिया, x क्यों लिया है, कौन बताएगा? जब भी रेशो की बात होती है, मैंने आपको बताया था सेम काइंड ऑफ चीजें के बारे में हम डिस्कस करते हैं जब रेशो की बात होती है, तो सेम काइंड में हम एक्स ही ले सकते हैं, वाई नहीं ले सकते, एक ही वेरिएबल के बारे में सोचना है आपने, ठीक है बेटे? 4:5 है तो हमने सपोज कर लिया कि एक नंबर हमारा 4x रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 5x कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4x प्लस 5x, जब मैं दोनों को प्लस करूंगी तो आंसर आना चाहिए 9x। 369, ओके? 9x इज इक्वल टू 369, और यहां से निकालो, डिवाइड बाय 9। यस वेरी गुड, प्लीज डू इट, अपने अपनी नोटबुक में करो सारे, ये नहीं देख रहा कि उसने आंसर बता दिया है तो अब वही लिख लेना, अपना अपना सॉल्व करो। बहुत ही इजी है, 9 की टेबल में जा रहा है ये, पता है आपको? 9 4 36, 9 1 9, x इज इक्वल टू 41, आ रहा है सबका?
यस हाँ गुड, ठीक है। तो अब आपने निकालना है कि कितने कितने रुपीज है। 4x की वैल्यू निकालो, 4x इज इक्वल टू 4 × 41, और 5x इज इक्वल टू 5 × 41। चलो जल्दी से आंसर बता दो मेरे को। रफ कॉलम आपका तैयार होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। फोर इंटू 41 कितना आ रहा है? 164 164। वेरी गुड। और दूसरा 41 × 5? 205 205। ये आपके पास आंसर आ गया 164 एंड 205। एनी डाउट इन दिस? नो ओके गुड। तो आपको पता चल गया कि जब हमने 369 को रेशियो में डिवाइड करना था तो हमने उनका एक्चुअली रुपीज निकालने थे कि हम मैंने 369 मेरे पास अगर पर्स में रुपीज थे, मैंने उसको किस किस पे डिवाइड किया। एक को मैंने 164 दिए रुपीज, दूसरे को 205 रुपीज दिए, ठीक है। ये मेरे पास आई है रुपीज में अमाउंट आई है, वहां पे मेरे पास थी रेशियो 4:5। वो 4 और 5 कोई रुपीज नहीं थे, रेशियो पता थे कि उनको एक और दूसरे का आपस में कंपैरिजन था। ओके तो हमारे पास आंसर आया 164 एंड 205। यू कैन नोट इट डाउन। और बी पार्ट इसका बेटा मैं क्लियरली लिख रही हूँ, 2:1/2 रेशियो 5। इसका छोटी छोटी राइटिंग है, अगर आपको नहीं दिख रहा यू कैन राइट इट। इसको भी सेम वे से करना है हमने। 35 एंड 70 किसी और ने भी किया है? नहीं, कोई बात नहीं, करो बेटा। इमीडिएट आंसर मत बताओ, सबको करने दो ना। यू हैव टू कप अप विद ऑल, ठीक है। सबको चांस दो करने का। मुझे पता है क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं कि पता चल गया कैसे करना है। मैथ्स में जब भी मार्किंग होती है, आपका पेपर चेक होता है, अगर स्टेप वाइज मार्किंग होती है कि पहले स्टेप में आपने क्या लिखा, दूसरे में क्या लिखा, तीसरे में क्या लिखा, तब आपको आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं। जो सिर्फ आंसर लिखते हैं उनको मार्क्स नहीं मिलते, तो इसलिए प्लीज इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन करती हूँ क्योंकि आपका अभी फिर बोर्ड पे स्पेस नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें आपने नंबर्स क्या लेने हैं बेटा? नंबर्स आपने लेने हैं इसमें 2.5। जो जो रेशो दी हुई है उसी को ही हमने फॉलो करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। लिखो यहाँ पे लेट बी पार्ट दिस लेटेस्ट, लेट द नंबर्स बी, नंबर्स कौन से? रेशियो वाले, ठीक है। नंबर्स बी 2 एंड 2.5। इम्प्रॉपर में क्या लिखोगे इसको? 5/2 यस, बी 5/2x एंड दूसरा आएगा 5x। दो नंबर जो हमें रेशियो दी हुई थी। जब भी हमें रेशियो वाला क्वेश्चन आता है हम उसके साथ एक्स लिख के उसको फिक्स कर देते हैं कि इट इज मल्टीपल ऑफ सम अदर नंबर, ठीक है। तो अब ये है तो दोनों का एडिशन क्या होगा? 5/2x + 5x, सेम ही मेथड हमने फॉलो करना है, इज इक्वल टू 105। ओके अभी ये देखो बेटा इसका आपको पता है कि इसके 5 के नीचे कुछ भी नहीं है। अब आपने फ्रैक्शन नहीं किया हुआ इसलिए ये सॉल्व मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। 5 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसको 1 लिख लो। ओके तो हम इसको करेंगे 5/2x + 5 × 2/1 × 2। ये मैंने 1 × 2 इसलिए किया, 5 से 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। जब भी हम टू फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, फिफ्थ में किया हुआ है आपने फ्रैक्शंस के एडिशन? फिर यस तो आपको पता होगा। यस, ठीक है, तो आप कर सकते हो। तो हमारे पास आ गया 5
10x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 105। चलो आगे इसको सॉल्व करो बेटा। एक्स की वैल्यू लेनी आती है सबको, उसने आंसर बता दिया था लेकिन आपने अपना कैलकुलेशन अपनी करनी है। ये आपके पास था 5x + 10x मीन्स 15x आपके पास आ रहा है। 15x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 105। एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से। किस किस को ये सॉल्व करना आता है? रेज योर हैंड। यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी आती है। ओके, थोड़े बच्चों को आती है। चलो फिर इधर सीख लो पहले कैसे करनी है बेटा। ओके देखो बेटा, जब आपके पास ये आ गया 15x/2 आ गया, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 105 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर हमने निकालनी है x की वैल्यू। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको काट सकते हो जिस भी टेबल पे जाता है। वन जीरो फाइव और 15 जा सकते हैं ना थ्री के टेबल में, थ्री के टेबल में या फाइव के टेबल में। हाँ इस करो बेटा, अपने आप करो। वेरी गुड। मैं अगर 5 का टेबल लूँ तो 5 3 15 नीचे करेंगे और ऊपर करेंगे 5 2 10 एंड 5 1 5। फिर 21 3 के टेबल में जाता है, 3 1 3 7 3 21, तो ये आ जाएगा 7 into 2। अगर आपने 3 से स्टार्ट किया तो 3 से भी। फोर्टीन रेज योर हैंड, किस किस का आ रहा है 14? सो नाइस, बहुत लोगों का आंसर ठीक आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू 14 आपका राइट आंसर आ रहा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, जो जो हमने सपोज किया था फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे डाल दो एक्स की वैल्यू और निकाल लो इसका किस किस में डिवाइड हुआ है हमारा। 105 लीटर जो मिल्क था वो कितने कितने लीटर्स में डिवाइड हुआ है वो अभी करना है हमने, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 14, और दूसरा आपके पास आएगा 5 into 14। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, प्लीज इसको करो। फाइव 35 and 70, yes, आपने कर लिया। मल्टीप्लाई करना है इसको, पहले 2 से काट लो इसको। 7 5 35, 35 liters एंड 14 5 70, 70 liters। तो ये आपके दो आंसर आएंगे। ये क्वेश्चन इजी लगा आपको? चलो गुड। इसके जो बाकी पार्ट्स है ना बेटे, आपका सी और डी पार्ट, इसको नोट डाउन कर लो, होमवर्क के लिए करने हैं आपने सेम वे से, और कल मेरे को आंसर बताने हैं, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है, ये वाला फ्रैक्शन दिख रहा है 1/3 रेशो 2/12 डी पार्ट में, ठीक है बेटे। इसको नोट डाउन कर लो एंड ट्राई एट होम। धीरे धीरे क्वेश्चन ये करने हैं, धीरे धीरे, इन द सेंस कि एवरी स्टेप लेके करना है, हर एक स्टेप। जैसे हम यहाँ पे एक एक स्टेप कर रहे हैं, आपने भी एक एक स्टेप करना है और सॉल्व करना है।
कॉन्फिडेंटली सबने अपना अपना करना है और कल मेरे को आंसर बताने हैं इसके, सिंसियरली करना है, ठीक है? कोई किसी से पूछेगा नहीं। नोट डाउन कर लिया बेटा ये? कई बच्चे लिख रहे हैं, आई विल वेट फॉर देम। चलो आगे चले बेटा, यस ये क्लीन इट। चल नेक्स्ट है आपका। ये आपका सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज इक्वल टू 3:4 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म? क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट लव या फिर लोएस्ट फॉर्म, सुना हुआ ये आपने? यस तो बताओ फिर क्या करते हो इसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? कहना यार देखिए, डिवाइड करके डिवाइड करते हैं, है ना? हाँ, हम काटते हैं उनको आपस में, देखते हैं कि कौन से नंबर पे दोनों जाते हैं। मैक्स, एंड में आके डिवाइड ना हो किसी से। यस, एंड में आके जब किसी से डिवाइड ना हो तो हम उसको वहां पे छोड़ देते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, आपको पता है जब हम डिव अप एंड डाउन नंबर्स लिखते हैं फ्रैक्शन में तो उनको काटते हैं आपस में, कोई 5 के टेबल में जाते हैं, कोई 3 के टेबल में जाते हैं, तो उनको ट्राई करना है। अगर वो किसी के टेबल में नहीं जाते, इसका मतलब उसको वहां पे आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल चुका है। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म एक ही बात है, कहीं कभी आप ये पढ़ोगे वर्ड, कभी वो पढ़ोगे, बोथ हैव द सेम मीनिंग। ऑप्शन सी है 91:28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 13:4 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म? तो आपको ऑप्शन दी हुई है कि क्या ये है, ये है, ये है, या डी पार्ट है, ठीक है? तो आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है कि इनमें से ये जो नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर हैं, ये आपस में कट रहे हैं, ठीक है? ये आपके पास 18/8 है, ये आपके पास 105/36 है, ये आपके पास 91/28 है, और ये आपके पास 144/250 है। आपको इनको आपस में काटना है और बताना है कि इनकी लोएस्ट फॉर्म 13/4 कब आ रही है। सी ऑप्शन पार्ट किस किसने निकाल लिया? रेज योर हैंड। चलो ओके करो, आई एम गिविंग यू टाइम, डू जहां पे आपका आंसर आ जाएगा वहीं पे। सी सी पार्ट आ रहा है सबका? यस ओके, कौन से टेबल से काटा है आपने? मैंने 7 के टेबल से, या ये 7 के टेबल से आपका कट रहा है, ठीक है? 7 × 13 = 91 एंड 7 × 4 = 28, ठीक है? आपको क्लियरली पता चल रहा है, इसलिए इसकी ऑप्शन आएगी सी। गुड, सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करूंगी यहाँ पे। आपको अगर नोट डाउन करना है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ये ऑप्शन नहीं भी, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या था और हमने कैसे निकाला था। अगर आप कई बच्चे अगर सी ऑप्शन भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो कि हाँ अगर मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा जाता तो इसका आंसर ये होना था। चलो मूव अहेड, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ये पूरे के पूछे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, मतलब चाहे वो कहने को एमसीक्यू है, आपको ऑप्शंस दी हुई है लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा आपको पूरा, ओके? और किसी को कोई डाउट है अभी तक, किसी को कुछ पूछना है सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म, या किसी को कुछ पूछना है कि हमने रेशियो में कैसे डिवाइड किया था? तो
को या रुपीज को कैसे डिवाइड किया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी चीज को हम, चाहे वो रुपीज है, चाहे लीटर्स है, चाहे कुछ और है, उसको हमने टू रेशियो में जब कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है, तो उनकी अमाउंट हमने कैसे निकालनी है। समझ आ गया सबको वो टैक्स वाला? ओके यस गुड बेटा। चलो अभी ये क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख भी सकते हो, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 30 हैं। ओके तो इसको अंडरलाइन करो, 30 स्टूडेंट्स हैं, 6 लाइक फुटबॉल एंड 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, रिमेनिंग लाइक टेनिस, अभी रिमेनिंग का हमें पता नहीं है, वो हमने खुद निकाला है। मैथ पार्ट टू लाइक टेनिस इज टू टोटल नंबर, टेनिस रेशियो टोटल, टेनिस रेशियो टोटल, प्लीज रिमेम्बर हमने ऑर्डर को फॉलो करना है। इधर हमारे पास टेनिस होना चाहिए और इधर हमारे पास होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑर्डर सीक्वेंस, पहले टेनिस के बारे में लिखेंगे फिर हम टोटल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं, तो उसमें से हमारे पास 5 6 फुटबॉल लाइक करते हैं, 12 क्रिकेट लाइक करते हैं, 18 तो ये हो गए, तो टोटल में से अगर हम 18 माइनस कर देंगे तो आपके टेनिस वाले बच्चे आ जाएंगे, है ना बेटे? यस, मैम यस 12 बच्चे जो आएंगे वो टेनिस वाले आएंगे जो हमें चाहिए थे। ओके चलो अभी जल्दी से इनका रेशियो लिख दो, 12:30, रेशियो 2:5 5 कैसे निकाला आपने? प्लेटफॉर्म टू इज फ्रॉम, वेरी गुड नो वेरी गुड। क्या हम इसको 30:12 भी लिख सकते थे? नो नो, क्योंकि हमने ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 2:5, सी ऑप्शन। आपने अगर लोएस्ट फॉर्म में इसको किया इट विल बी 2:5, काटने के बाद आपको पता चला। चलो कई बच्चे क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर देम, नोट कर लो और इसको रिवाइज भी करना है घर जाके, कल मैं आगे तभी करवाऊंगी जब मैं यहां से पूछूंगी आपसे, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस कि कौन सा क्वेश्चन कैसे किया था, प्लीज रिवाइज करके आना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, ओके क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ टू पर्संस आर इन द रेशियो 6:9, आपको रेशियो दिया हुआ है 6:9, सिक्स रेशो नाइन, ये आपको नोट डाउन कर लो बेटा, 6:9। इफ द यंगर वन इज 18 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज द एल्डर वन, इसका हमने क्वेश्चन निकालना है। एल्डर वन के बारे में पूछा गया है, यंगर वन के बारे में बताया गया कि वो 18 ईयर्स ओल्ड है, क्वेश्चन नोट कर लो पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है इसको। पार्ट आंसर इज ए पार्ट, ए रेशो हैंड किसने निकाल लिया, किसने निकाला है रेशो हैंड? ओके गुड पार्ट गुड, कोई हमें जल्दी नहीं है बेटा, आराम से क्वेश्चन नोट करो, जब तक मैं आपसे आंसर नहीं पूछूं आपने नहीं बताना, क्योंकि फिर बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है। आराम से क्वेश्चन नोट करो, आपके पास मॉड्यूल भी नहीं है, आपने घर जाके रिवाइज भी करना है इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको फटाफट लिख लो कि रेशियो हमें दिया हुआ है यंगर वन 18 ईयर्स ओल्ड है, एल्डर वन की हमने एज निकालनी है।
पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो 6:9 है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये रेशियो यंगर रेशियो ओल्ड है या फिर ओल्ड रेशियो यंगर है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? यंगर रेशो ओल्ड, यंगर रेशो ओल्ड सबको पता चल गया यंगर रेशियो ओल्ड है ये? कैसे मम यस पता चला, कैसे पता चला? 60 फर्स्ट गर्ल। हाँ बताओ बेटी। यस बिकॉज़ 6 इज स्मॉलर देन 9। बिकॉज 6 is smaller than 9, आपको रेशियो से ही पता चल रहा है कि पहले हम यंगर की बात कर रहे हैं और फिर हम ओल्डर की बात कर रहे हैं, ये वाली चीज आपकी यूज हो रही है। ठीक है, तो सेम चीज हम वहां पे यूज करेंगे। 6:9 का मतलब 6/9 इज इक्वल टू, दे आर सेइंग इफ द यंगर वन इज 18 years old, यंगर वन की एज हमें दी हुई है 18, तो हमने ये निकालनी है नीचे वाली। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को ये बता रहा है कि 6/9 इज इक्वल टू 18 by something है, तो इसको निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पहले इसको काटना है तो काट भी सकते हो। ठीक है, 3 के टेबल से 3 2 6, 3 3 9, उसके बाद 2 into क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क रहने दो, 3 को उठा के उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क को यही रहने दो, 18 into 3 divided by 2। ये चीज आपको पता है कि हम ऐसे करते हैं, 2 को उठा के नीचे ले गए। यस वेरी गुड, 2 9s तो आपके पास आ रहा है 27 years। 27 years ए बार 7 years, वेरी गुड। एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक किसी ने कुछ? ओके, प्लीज रिवाइज दीज क्वेश्चंस एट होम, कल मैं आपसे इन्हीं में से ही पूछूंगी कि आपने क्वेश्चन कैसे किए थे। ओके उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलो टाइम इज अप, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। प्लीज।